हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और अभी मेरा नाना धोना हुआ है, मतलब अभी हो गए होंगे 15 से 20 मिनट। और ये देखो, मतलब दौड़ में मतलब बोल ही जाए नाना धोना। कपड़ा तुम्हें आज ना धोया भाई, कपड़ा धोवाऊंगा कल। आज पहले 3 बज चुका, फोन कहा है पापा का, सही 3 बज गए, 3 बजे जाके काम खत्म हुआ है। आज मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए मेरे को किचन सेट कर। 3 बज के 17 मिनट हो रही है, तो अब 3 बज के 17 मिनट तक मेरा काम खत्म हुआ है। अभी सोच के देखो, अभी इससे ज्यादा लेट अगर मैं कपड़े और धोने लग जाऊँ तो 5 बज जाएंगे, फिर शाम की रूटीन शुरू हो जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो अब नहा धो के खत्म करते हैं, पोछा वोछा लगा के फिर अभी नहा के आई, बच्चों को नहलाया। अब नैनी की चोटी बाकी है, मैंने मेरे हेयर वॉश किया था तो मेरे बाल सुलझाने हैं, सुलझ गए लेकिन थोड़े से और सुलझाने हैं। और मैं ये सोच रही हूँ मैं हेयर कट करवा लूँ, फिर मैं सोचती हूँ मतलब मेरे दिमाग में आता है इतने बाल है वो भी कट जाएंगे तो फिर बाल ही नहीं बनेंगे, ये सोच के कैंसिल कर देती हूँ। और अब आते हैं मेन बात पर, टॉपिक पर। हाँ तो शर्मा जी इधर देखो, थम थारे सास रह गया था, मतलब मारे घर ने गया था, वो टाइम में थारा कुर्तो पहन के गई थी, वो कुर्तो किसो लाग रहे थे? बढ़िया लाग रहे हो, बढ़िया लाग रहे थे। और फिर थारा कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? मैंने पहनना चाहिए क्या दिक्कत है? मैं तो छोड़ दे दी, नहीं यार आदमी का कपड़ा थोड़ी ना पहना करी, ये कुर्तो सिवान साड़ो है नैनी। हाँ तो आज नैनी ने पहना है, मैं सिवान साड़ो क्योंकि थोड़ा बड़ो है ना, आदमी का कपड़ा लेडीज ने थोड़ी ना पहनना चाहिए। क्यों यार, वे आदमी का कपड़ा लेडीज कैसे पहन सके? क्यों कोई पहन सके? तो आज के कमेंट बॉक्स में जो मेरे जितने भी हेटर थे ना, उन्होंने भर भर के कमेंट किया है, ढंग के कपड़े भी नहीं पहनने आते, शक्ल देख तेरी, तेरे को कपड़े तो ढंग के पहन के जाया कर, शर्म नहीं आती, कुछ भी पहन के चल देती है बेचारी शर्मा जी। गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। देख ले सिवान से ऐसे पहले शायरियां बोलते थे, आजकल भूल गए भाई, लून तेल लकड़ी याद रहेगी, बाकी भूल गई राग भूल गई जखड़ी, याद रहेगी 3 चीज लून तेल लकड़ी। वाह क्या बात है, लकड़ी तो आजकल चलती नहीं है इसलिए याद रह गई लून तेल गैस। तो जी अब आते हैं टॉपिक पर। मैं ये वीडियो ना बनाती, मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोचा यार इतनी बेताबी हो रही है लोगों को, कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं कर रही मैं। कमेंट में एक दो बंदों ने रिप्लाई भी दिया है कि यार किसी के कपड़ों पे क्यों जा रहे हो, आपको क्या तकलीफ है, रिप्लाई भी दिए हैं जो मेरे मेरी ऑडियंस ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। सिवान से एक मिनट रुकना। अब मैं उन सबको जिनके यहाँ पे खुजली लगी हुई है, जिनको खाज की बीमारी है, खाज ही हो एक टाइप किया कि भाई और कुछ ना मिलो, कितना बढ़िया वीडियो, मतलब एक भाई बहन का कितना बढ़िया रिश्ता होता है, उसको मैंने एक मेरे तरीके से एक्सप्लेन किया। और मैंने ये बताया मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट दिया, और उसमें परिवार के बीच में एक लड़की अपने मायके जाती है, किस तरीके से सबके साथ में वो एक दिन गुजार के आती है, कितने प्रेम से वो सब रहते हैं, कैसा कुछ माहौल होता है, वो मैंने उस व्लॉग में दिखाया। लेकिन लेकिन वह एक कहावत व्याग्र है कि मक्खी कहाँ बैठती है। और दूसरी बात, उन लोगों ने और कुछ नहीं देखा, उन्होंने कपड़े देखे, ढंग के कपड़े तो पहन के जाया कर, और तरीके से भी नहीं। आप लोग कमेंट देखना, बहुत मतलब वो होता है ना कि ऊटपटांग तरीके से भी लोगों ने रिप्लाई दिए, सबकी नहीं कह रही मैं, जिन्होंने बोला उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। रोज अपनी शक्ल दिखाने आ जाती है, मेरा काम है भाई, क्यों देखना आया था तुमने शक्ल ना देखनी, तो मेरा तो काम है, मन तो पैसा मिली ही, बताओ मेरे तो काम है, मैं इससे कमाती हूँ, तो मैं तो मेरा काम करने आऊंगी। अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको देखो, एक इंसान वीडियो देखता है अच्छा लगता है, टाइम पास करने के लिए देखता है, एंटरटेनिंग होता है तब देखता है, अब न तो उनके लिए एंटरटेनिंग है न उनके लिए कोई और फायदेमंद है, तो उनको मेरे ख्याल से अपना डाटा क्यों वेस्ट करना। अब मैं थार खातर नू तो है को नहीं, अगर बनारसी साड़ी पड़वा लाऊंगी, बनारसी साड़ी खरीद के लाऊंगी। नाम है जैसे वो कौन कह रहे हैं, पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों से पूछा जाता था, जब बच्चा पैदा होता था तो उस टाइम पे 3 पाए बताते हैं कि सोना चांदी तांबा। अब लोग उपाय भी हो गए हैं नहीं, चल लो 4 मान लो, 4 पाया होगा,
लेकिन ब्राह्मणा ने ना पता हो नहीं हकीकत में, क्योंकि एक पायो टेंशन को भी हुआ है, और उनको मतलब वे टेंशन का पाया में जो पैदा हूं उनको अच्छो लगा टेंशन को काम करनो, तो वो सिर्फ टेंशन लेने के लिए ही काम करते हैं। जैसे आ टेंशन लेनी है उनको, किसी भी चीज पे टेंशन ले लें, जिसको लेनी है उसको। एक मिनट, क्या एक लड़का है, टेंशन ले लो टेंशन, एक लड़की ने बोला मुझे 1 किलो टेंशन दे दो, उसने बोला आज तेरे पास तो जो फेल कर देगा तो उसका टेंशन मिल हाँ, तो गई। उन लोगों को क्या है कि टेंशन लेने की बीमारी होती है, पायो उनको टेंशन हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि फोन देखते हैं, पता है कि उसको देखेंगे अपना अपना टेंशन होगी, दिमाग में अच्छी तो लगेगी नहीं आपकी शक्ल, तो उनको टेंशन लेने की आदत हो गई, वो टेंशन लेते हैं जबरदस्ती, और मेरे वो लिए टेंशन बता, में उन पैदा हुए थे तो भाई उनकी तो जन्म ऐसा ही गुजरेगा, वो टेंशन को टेंशन में पाए हुए रहेगी। होंगे भाई, तार टेंशन को पाए हुए तो इलाज कर देंगे हमारे पंडित जी। ओ शांति करवा देंगे टेंशन ओम की जगह। शांति ओम शांति बढ़िया। पर देख भाई, शांति फ्री पॉकेट में काम नहीं करवाया कराम पंडित जी ने। एक नेक कोई नेकिता बात को देख लेना, पाछ देख फिर लें, कोई करेंगे। बात नहीं। वैसे ये रही स्लोगन कल, ये जो भी है ना कमेंट कर रहा है, ये एकदम ब्रांडेड वीआईपी तरीका का कपड़ा पहनी कपड़ा, और बाकी स्टैंडर्ड में रहने वाला लोग हैं। तो देखो, या तो थी मजाक की बात, अब मैं सीरियस अरे बात इसका तो करूं। पियर था वो, और मैं मेरे ससुराल था, मैं तो निक्कर पहन के चला जाता हूँ, और निक्कर भी आधी बार फाटेड़ी। कल तो बिना नहाया गया था, हम तो तीनों नहा के तो गया थी, आपके सास रे बिना नहाया गया था, जो घर में कपड़ा पहन रखा था, हम यहाँ से निकल लिए थे 6:30 बजे के, 7 बजे के करीब, जो घर में कपड़े पहन रखे थे वो ही पहन के चले गए थे, बोले बाजार तू जाना, क्योंकि हमें, आप सबको पता ही है कि हमें शॉपिंग करनी थी, और गोल्ड की शॉपिंग करनी थी, तो मम्मी को मेरे साथ जाना था, मम्मी दिलवा रही थी, ठीक है, तो ये बोले तू, मैं तो रहूंगा घर में, घर में नहाऊंगा धोऊंगा अपना रोटी खाऊंगा, तू ही जाइए, तो ये उरास नहीं चला गया था, सासरा में भी है ना साहब, बटे हाँ, पर उजाया कि वह सच दस निक्कर टी गए। शर्ट पहन के चला जावा। तो जी, या तो थी मजाक के बाद, अब मैं सीरियस बात कहूं कि देखो आपा, हाँ जात का ब्राह्मण, और ब्राह्मण के वह हैं वे, वैसे भी सब उनने दान दक्षिणा दे की जाए, हमारे तो सिद्धो ब्याह है, सिद्धो हम साहब अपने 11 ने ब्याह है, तो सिद्धो ब्याह हर मैं ले लिया करूं, कल तो लियो आया एक बार छोटा सा काली तो कपड़ा। लियो आया वो पर अंदर। और मार ज्यादातर कपड़ा भी हम ब्राह्मण ब्राह्मण है ना, तो मान दियो 2.5 पैर हाँ, ठीक है, तो कोई आंट को नहीं, जो थारे भी देन की मन मारी बन, तो थारी पसंद का पूछा दियो साहब, है ना, थारी पसंद का पूछा दियो, हम पैर लगा, कोई आंट को नहीं, हमारे कन जो है वो हम पैर लियो, अब जो बच रहा है थाने नू लागे कि हाँ भाई मारी पसंद का पैर ही बढ़िया, लेकिन देख क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बढ़िया सी क्वालिटी का, जिस ब्रांड का जिस क्वालिटी का थम पैर हो ना वे भेज दियो, वही बात है, दक्षिणा दान दक्षिणा जो भी हो ले लेनी चाहिए, मनाही कोई नहीं है। तो आप लोग जो भी है ना, जिनको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए, उनके लिए एक बात और बता दूं मैं जाते जाते, कि मेरे कपड़ों के लिए मेरी फैमिली ने कभी कोई भी इशू नहीं बनाया, और तो और पिछले दिनों कमेंट आ रहे थे कि सास के सामने सिर पे पल्लू नहीं ले रही, मेरी सास को क्यों कोई भी इशू नहीं है, इतना भी नहीं है, आपने देखा होगा मेरे घर पे मेरी भाभी रहती है ज्योति, हम सब वहां पे रहते हैं, वैसे ही वो रहती है, सेम वैसे ही रहती है, तो हमें भी कोई इश्यू नहीं है, मेरी फैमिली को कोई इश्यू नहीं है। और रही बात इज्जत की, शर्म की, तो वह इज्जत जो है ना वह तो कर ही जाया करे, सिर पर पल्लो लेके इज्जत को नहीं, वह ठीक है, इज्जत करने खातर और भी घना ही काम है, वे कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तो प्रेम होना चाहिए माँ बेटी की तरह, अब बेटी तो मेरे ख्याल से कोई अपना घर में सिर पर पल्लो रखा को नहीं, वे अपनी माँ के साथ कैसे रही, तो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये जो अपने रूढ़िवादी सोच है ना, इससे थोड़ा निकलो, तो करने को मैं घूंघट भी करती हूँ, मेरे ससुराल में आपने देखा होगा घूंघट भी रहता है, सिर पे पल्ला भी रहता है, क्योंकि वहां पे जरूरी है, और वहां पे वो नियम कायदे कानून चलते आ रहे हैं, वहां के जो हमारा समाज है ना उसमें हम सब वैसे ही रहते हैं, और यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसे रहती हूँ, क्योंकि और एक चीज और है, अगर आप लोगों को कोई चीज गलत लगी, अगर वो गलत है तो उससे पहले वो मेरे परिवार को लगेगी ना, परिवार पहले बोलेगा ना कि ये चीज गलत है, तो उस चीज के लिए भी आप लोगों को, मैंने सोचा आज के वीडियो में मैं उस बारे में भी बोलूं, उस टाइम पे मैंने साइलेंट होके मैंने कहा चल जाने दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जब बात उठी गई तो चलो मुखो बता दा, तो मेहरबानी करो इतनी ज्यादा ना व्या करे,
और गुड न्यूज आपने सबने बताऊं, जो जो मेरे नेगेटिव कमेंट करके गया, कपड़ा डंका पैर घना ही कमेंट करे हैं, उनके लिए बताऊं कि यूट्यूब पे क्या होता है कि कोई भी वीडियो रैंक करता है कमेंट से, ठीक है। कमेंट जो होते हैं ना, उनसे वीडियो रैंक करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आप लोगों की कमेंट की बदौलत आज मेरा वीडियो रैंक कर गया, तो आप लोगों का धन्यवाद जाते जाते। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट किया, मेरा वीडियो रैंक किया। लेकिन साथ मैं चाहती थी ये बात छुपा देती, लेकिन मैंने कहा चलो जाते जाते बतानी चाहिए कि तुम एक बहुत बढ़िया काम भी करके गया हो। और रही बात कपड़ा की, तो कपड़ा तो आप तुम ही पहनेंगे जो अपना अच्छा लगेगा, कम्फर्ट रहेगो। और सबसे मेन बात, अब एक और बताऊँ, जाते जाते वो कुर्ते पहनने के पीछे रीजन ये भी था कि बाकी टॉप वगैरह की स्लीव्स इतनी है देखो, और धूप होती है ज्यादा। अब फुल स्लीव्स मैंने पिछले 10 दिन से मैं गा रही हूँ यहाँ पे कि मुझे फुल स्लीव पहननी है, क्योंकि टैनिंग हो जाएगी, घर में शादी है। तो मैं वो कुर्तो नू पहन के गई थी, उनको पीछे यो कारण था। और सोचो वो कुर्तो मिल को नहीं तो मैंने की बुरशर्ट पहन जाती, बुरशर्ट मतलब शर्ट, नहीं तो मैं शर्ट पहन जाती, कोई आंट को नहीं रखना है, ठीक है। तो चलो मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैं हेयर कट कैसा करवाऊँ, कोई मेरे को सजेस्ट करना जो कि मैं उन्हें ना करी, जो कि सही मैं मेरे भलो चाहे ही, मेरी वो वही बात है मेरे लिए सोचते हैं, उनको कह रही हूँ कि हाँ बताना, कोई सजेस्ट करना कोई अच्छा सा हेयर कट, ठीक है। चलो फिर बाय।